सेकेंड मैच में बल्लेबाजों ने ज्यादा स्कोर बनाया, पर वो पिच देख के, वो कंडीशंस देख के, बॉलिंग देख के, और मिड शो में हमने यही कहा था कि ये जो बीच का पीरियड है ये कहीं महंगा ना पड़ जाए, और ये महंगा पड़ा, क्योंकि गेंदबाज आपको बिल्कुल मैच जिता सकते हैं, पर एज बल्लेबाज आप जब पहले बैटिंग कर रहे हैं तो आपका भी ये कर्तव्य है कि बेस्ट चांस दे अपने बॉलर्स को, और कहीं भी छोड़े ना, कहीं भी जाने ना दे वो मामला बीच का। इंग्लैंड जो है वो ऊपर कभी जाने नहीं देते, मौका मिलता है तो जरूर डबल डाउन कर जाते हैं। एक तरफ जे एंड जे जॉनसन एंड जॉनसन नहीं, जेसन और जॉनी जो हैं दोनों, जिनको तीसरे जे जॉस बटलर उनके कप्तान ने कहा है कि बेस्ट ओपनिंग पेयर है अभी यहाँ पे। ओ हो, एक बेस्ट ओपनिंग पेयर तो हमारे पास भी थे जिनके आधे यहाँ पे बैठे हैं। वीरू बताइए ये कॉल इनकी। देखिए मतलब बेस्ट ओपनिंग पेयर वो ये इसलिए नहीं कह रहे हैं कि वो एक दो मैचों में रन बनाए, पिछले 43 मैचों में 13 उनकी शतकीय साझेदारी 61 का औसत है, तो कंसिस्टेंट हैं वो दोनों एज अ ओपनर, तभी शायद वो बेस्ट ओपनिंग पेयर हैं। और ये आंकड़े बढ़ेंगे ही, कम नहीं होंगे, जैसे जैसे मैच बढ़ते रहेंगे आंकड़े भी बढ़ते रहेंगे, 100 की पार्टनरशिप और लगती रहेगी, शायद एवरेज ऊपर नीचे हो, लेकिन ये जरूर है कि इनकी सेंचुरीज की जो पार्टनरशिप वो बढ़ेंगी, कम नहीं होंगी। और किसी भी टीम को उठा लें, 96 वर्ल्ड कप जो श्रीलंका जीता था, अगर उनके ओपनिंग पेयर देखे तो वो भी कुछ ऐसे ही थे, ताबड़तोड़ बल्लेबाज थे जयसूर्या और कालू वितरणा, तो वो वर्ल्ड कप जीते। और इंग्लैंड भी जब वर्ल्ड कप जीता तो भी यही ओपनर, ताबड़तोड़ ओपनर थे। तो इवन जब भारत भी जीता तब भी सचिन और सहवाग ताबड़तोड़ ओपनर थे दोनों, तो भी भारत फाइनल तक पहुंचा और जीता। तो मेरे ख्याल से जो ओपनर है वो नींव सेट कर देते हैं, वो एक टोन सेट कर देते हैं जिस दिन वो चलते हैं दोनों। तो अगर वो 100, मुझे अच्छी तरह से याद है जब गैरी क्रिस्टन कोच आए थे तो जब जब हमारी मेरी और सचिन की ओपनिंग साझेदारी होती थी तब तक 3 नंबर पर एमएस धोनी उतरते थे, कोई और नहीं उतरते थे, कि वो ये बोलते थे कि अब प्लेटफॉर्म सेट है एमएस धोनी के लिए, क्योंकि वो अगर सेट हो गए तो फिर हम लोग 300, 350 भी बना सकते हैं, और ऐसा हमने बहुत बारी किया भी। एक बात में सडनली मेरे दिमाग में आई, आपने जब कहा कि नंबर 3 को फ्लेक्सिबल रखते थे, अगर ऐसी ओपनिंग स्टार्ट मिल जाए चाहे कम रन रेट में मिले, अजय भाई आपके पास एक गेम चेंजर बैट्समैन है एक्स फैक्टर हार्दिक पांड्या, अब आप कह तो सकते हैं कि वो फिनिशर हैं, पर फिनिश में आपके पास ऋषभ पंत और कृणाल पांड्या भी हैं, घुमाते हैं बल्ला, शार्दुल भी थोड़ा सा घुमा लेते, खैर उनपे आप इतना मतलब इतना दारोमदार नहीं डाल सकते, पर अगर आप ये देखें कहीं आप करेंगे कि अच्छा ठीक है यार बीच के ओवर में ना हमें थोड़ी सी स्पीड बढ़ानी है, फेंक दो एक हार्दिक अंदर। बिल्कुल, किसी इनमें से जितने नाम लिए आप इनमें से किसी को भी भेज सकते हैं ना, क्योंकि अगर आपका अप्रोच ये आप मानते हो कि ये आदमी आखिरी में जाके जब 4 फील्डर खड़े होंगे 5 नहीं सर्कल में और 25 गेंदे ही बची हैं तब जाके भी वो बना सकता है, तो अगर आप सिर्फ एक्सेलरेशन की सोच रहे हो तो भी आप भेज सकते हो। और उन्होंने अपने खेल से दिखाया हुआ है, वो टेस्ट क्रिकेट में भी शतक, अब तो शतक भी बनाया है और लंबी पारियां खेल सकते हैं, तो बाकी तो छोड़िए, जिस दिन आप हार्दिक पांड्या को अंदर भेज देंगे ना 3 नंबर पे, या ऋषभ आता है या जो भी अटैकिंग प्लेयर होता है इंडिविजुअली, तो ऑपोजिशन कप्तान को भी सारे खेल बदलना पड़ता है, उसने जो बचा के रखा हुआ है ना आखिरी के लिए गेंदबाजी कराने के लिए उसको आप लाना पड़ता है। तो कप्तानी, थोड़े दिन पहले हम बात कर रहे थे कि कप्तानी 2 तरह से हो सकती है, आप जब बैटिंग कर रहे हो ना तब भी आप जैसे बॉलिंग चेंजेस देखते हो ना आप कैप्टन की, जो स्ट्रेटेजिकल कैप्टन होते हैं वो बैटिंग की करते हैं। अभी वीरू ने जिक्र किया वो श्रीलंका की ओपनिंग पार्टनरशिप का, 96 में अब तो बच्चे जो अब हैं उनको पता भी नहीं होगा क्या होता था उस जमाने में, बट 96 में जो वो टीम है ना श्रीलंका की, और जो टीम 92 में खेली थी जो क्वालिफाई भी नहीं की, उसकी पर्सनल में सिर्फ 2 प्लेयर्स नए आए थे लेकिन सबकी जगह बदल दी थी उन्होंने। अर्जुन राणा टुंगा जो थे वो कप्तानी बैट्समैनों से खेला करते थे कि वो ऐसा भेज देते थे कि आप यार मेरा बॉलर अच्छा डाल रहा है, उसको हटाना पड़ता था क्योंकि आप कहते थे ये नहीं इसके अगेंस्ट अच्छा खेलता है। तो स्ट्रेटजी खाली ग्राउंड पे मतलब सिर्फ बॉलिंग को चेंज नहीं करना, बैटिंग को भी कर सकते हैं, सक्सेस हो नहीं हो वो तो बॉलिंग की तरह है, अगर बॉलर ही खराब डाल दे तो क्या करोगे, लेकिन माइंड सेट ऑपोजिशन का चेंज हो जाता है जब आप कुछ बदलाव करते हैं। तो वो हम हमेशा यहाँ पे बात करते हैं कि प्रोएक्टिव कैप्टेंसी के रिएक्टिव कैप्टेंसी। गौरव अब मतलब ज्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं है, T20 वनडे T20 जो मुकाबले हुए उन्हीं में देख लीजिए, 3 नंबर एक बार ईशान किशन आए, 3 नंबर एक बार सूर्य कुमार यादव आए, तो रिजल्ट दोनों में बदले, दोनों में उन्होंने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। तो मुझे ऐसा लगता है कि ओपनिंग अगर जल्दी गिर भी जाती है और विराट कोहली 3 आते तो जो नंबर 4 की पोजीशन है ना उस पर भी आप कृणाल पांड्या या ऋषभ पंत या हार्दिक पांड्या को ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि फिर आपके पास एक सेटल बैट्समैन है राहुल जो सिचुएशन को संभाल सकते हैं अगर वो आउट हो भी गए तो।
बट लेकिन अगर वो उन दोनों तीनों में से कोई भी बल्लेबाज अगर वो 40 तक रुक गया और वो जो पावर प्ले है या जो स्पिन गेंदबाजी जैसी वो करते हैं, तो शायद वो उनको सेटल नहीं होने देंगे कोई भी, चाहे वो ऋषभ पंत हो, हार्दिक पांड्या हो या कृणाल पांड्या। नंबर चार मत बोलो यार। मैं एक बात बताऊ, मेरे को क्या याद आया, जेम्स बॉन्ड की पिक्चर देखी थी जब मैं बच्चा, तो मुझे बड़ी अच्छी लगी थी कि वो सामने एक बैठता है, ठीक है, बंदूक लेके ड्राइवर के साथ में, जेम्स बॉन्ड गाड़ी चला रहा है और वो ऐसे एक बटन दबाते हैं वहां पे और जो साइड वाली सीट होती है ना उड़ जाती है ऊपर से, ठीक है। ये नंबर चार जो है ना इंडिया की वनडे टीम में, ये वही जेम्स बॉन्ड की सवारी है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर ओपनिंग पेयर आउट हो जाता है कोई जल्दी, सपोज शिखर या रोहित को जल्दी आता है, तो रोहित ऑब्वियसली विराट कोहली 3 नंबर पे आएंगे, बट लेकिन 10 ओवर के बाद अगर कोई विकेट गिरता है तो आप वो ट्राई कर सकते हैं। हालांकि उस समय भी नई बॉल जरूर होती है, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर ये इनमें से कोई आया और उसने उस साझेदारी में पार्टनरशिप में थोड़ा भाग लिया, तो फिर वो उनको बॉल डालने नहीं देगा, क्योंकि जो 5 प्लेयर अंदर रखने हैं ना सेकेंड पावर प्ले में, वो मुश्किल पैदा कर देता स्पिनर के लिए जब कोई मारने वाला खिलाड़ी आता है, कि अगर ऑफ साइड में अंदर 3 है और लेग साइड में 2 है तो वो लेग साइड में मार देगा, फिर वो अगर लेग साइड में पीछे किया तो ऑफ साइड का बुलाया तो ऑफ साइड में मार देगा, और सामने वाला बुलाया तो सामने मार देगा, तो वो फिर बॉलर और कप्तान के लिए ना सरदर्द बन जाता है यार, मतलब किसको बॉलिंग कराऊं, किसको अंदर रखूं, किसको बाहर रखूं, तो वो एक सरदर्द देने वाला बल्लेबाज होना चाहिए। अगर नॉर्मल बल्लेबाज खेलता है तो वो सोचता ही नहीं है कि यार मैं इधर चौका मारूं या इधर, वो सोचता है चलो मैं ये 4-5 ओवर निकाल लेता हूं, सेट हो लेता हूं, फिर मैं सोचूंगा, तो तब तक शायद वो ओवर निकल जाते होंगे। नहीं नहीं, आपका पॉइंट तो बिल्कुल ठीक है, और ये जो रोटेटिव जैसा देश वैसा भेस वाली जो बैटिंग ऑर्डर लाइनअप आप कह रहे हैं, वो बिल्कुल आई थिंक सभी सहमत हैं इससे, क्योंकि आप गेम को डिसरप्ट कर सकते हैं, बिल्कुल एक चेंज हो जाती है और दूसरी कप्तान की जो प्लानिंग है वो उल्टी पुल्टी हो जाती है।